हमारे पास लगभग अभी ऐसी जो है लगभग 90,000 के आसपास है। अब ज़्यादा क्या 30 दिन होगा तो हम इनको बांट देंगे। अगर मान लीजिए ये जो जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन आती है, सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन भी अगर आती है, तो वो ये हो जाएगा कि इनको हटा दिया जाए। मान लीजिए हटा भी दे, लेकिन हमारे पास हम लोग पहले से चिंता कर रहे हैं। आज मैंने दोपहर को मीटिंग भी बुलाई है हमारे अधिकारियों की और कि हम इसमें क्या करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है 25 ना निकाले, 15 ही निकाले, क्योंकि उनको भी अपना बजट करना है। और ये अभी तक जो है वो पुलिस के एक विभाग के द्वारा ही आया है। पुलिस प्रशासन ने भी अभी निर्णय नहीं लिया है, गृह मंत्रालय भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय नहीं लिया है। उनके भी मानने जो है, और एक बार अगर ये आता है, प्रस्ताव भी आता है उनके पास हटाने का भी, तो भी सरकार के पास जाएगा, शासन में जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये जाएगा। तो इतनी आसानी से जो है कम से कम हमारा विभाग है, मंत्रालय, इतनी आसानी से हम हटने नहीं देंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी तक जो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑफिशियल कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी हमारे पास संपर्क ऐसे नहीं आया, ना कोई ऑफिशियली कोई पत्र आया हमारे पास। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, इतना हो जाएगा कि 30 दिन की जगह हो सकता है उनकी 21 दिन या 22 दिन ड्यूटी हो जाए। मैं एक मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, जो रोल पर है वो है, वो रहेंगे।